सो हम फायर इक्विपमेंट मैंने काफी सारे देखे हैं, जैसे कि बड़े बड़े सिलेंडर्स आते थे, लेकिन आपने बताया कि काफी अच्छा सॉल्यूशन आ चुका है मार्केट में जो कि सेफ्टी के पर्पज से इनसे कभी ज्यादा बेहतर है। सो मैम, आपका मेनली प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम करता है और फ्रेंचाइजी के लिए कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? सर, ये ऑटोमेटिक फायर बॉल है। ओके। और ये एक रिप्लेसमेंट है जो ओल्ड अभी तक मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर आते थे, इसी का एक अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं। कैसे है मैम, ये एक और बताइए मुझे। ऐसे है कि जैसे कि ये जो सिलेंडर होता है, आपको पता है, ये मैनुअली ऑपरेट करके आग बुझाना होता है जी। और ये हमने जो बनाया है ये ऑटोमेटिक है, इसको बस आग जैसे ही टच करेगी विद इन 3 to 5 seconds में अपने आप ब्लास्ट होकर आग बुझा देगा। सो मैम, अगर ये ब्लास्ट होता है तो अगर कोई नियर बाय है तो कुछ इसमें कुछ इफेक्ट नहीं करता। इसमें हम DCP ड्राई केमिकल पाउडर का यूज कर रहे हैं, इसके इनसाइड जो मैकेनिक यूज किया है। ये ब्लास्ट होता है अगर कभी इसका केमिकल आपकी आंखों में चला गया, आपने इनटेक कर लिया, आपकी स्किन पे पड़ गया, किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं है, 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो, वो क्लीन हो जाएगा। okay. ये अपना जो प्रोडक्ट है ये गवर्नमेंट जो इंडियन नेशनल लेबोरेटरी है NTH नेशनल टेस्ट हाउस, वहाँ से टेस्ट और अप्रूव किया गया है। अपने मेन बायर्स भी इंडियन रेलवे, डिफेंस, BSF, आसाम राइफल्स, ICICI लोम्बार्ड, सुजलॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, MSC ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, L&T ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सारी जगहों पे अपनी ऑलरेडी सप्लाई जा रही है। इसके अलावा जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज होती है, गोडाउन होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर में, इन सारी जगहों पे अपनी ऑलरेडी सप्लाई जा रही है जी। इंडिया में बनाने वाली हमारी पहली कंपनी है जो कि 100% इंडियन प्रोडक्ट है। ठीक है। सो मैम, ये कितना एरिया कवर कर लेता है एक फायर का? हम जैसे साइज छोटा बड़ा देख पा रहा हूँ शायद मैं। ये जो प्रोडक्ट है सर, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है। Okay. जो कि आपके घर में, वेयर हाउस में, ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री, आई थिंक सिंगल रूम के लिए इनफ रहेगा। रूम के लिए एक फायर बॉल इनफ है सर। ठीक है। इस बॉल को क्या है, जितना हमारा 6 किलो का सिलेंडर आपको कवर करके आग बुझा सकता है, उतना हमारा 1 किलो 300 ग्राम का बॉल कवर कर देगा एक रूम को। मतलब ठीक है, मतलब सोप के लिए, रूम्स के लिए ये बेस्ट रहने वाला है। जैसे हमारे इसमें मल्टीपल सेंसर लगाते हैं सर। ओके। ठीक है। और ये बकेट के साथ आता है। ठीक है। हमें सिर्फ इसमें डाल के इंस्टॉल करना होता है। ओके। जो फायर प्रोन एरियाज होते हैं जी, जैसे हमें पता है कि हमारे पास कोई फैक्ट्री में हैवी मशीनरी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे हैं, जहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है। या आग थोड़ी सी भी बड़ी लग के बड़ी बन सकती है, उसके ऊपर बस हमें इसे ऐसे इंस्टॉल करना होता है जी। सो मैम, ये जो ब्लास्ट होगा ये यहीं पे हो जाएगा या फिर नीचे गिरेगा? पूरा क्या ब्लास्ट होगा सर, इसमें हमने ड्राई केमिकल पाउडर का यूज किया है, वो ब्लास्ट होते ही पूरा केमिकल फैल जाता है चारों तरफ से। ठीक है। इक्वली फैलता है चारों तरफ, इक्वली जाएगा, ताकि फायर को कंट्रोल करेगा। केमिकल है ना, वो एस ब्लैंकेट मेथड की तरह काम करता है, वो कटिंग ऑक्सीजन की तरह पूरा एकदम आग को एकदम फिनिश कर देता है सर, ऊपर लेयर ही नहीं बनने देता है आग पर। ठीक है। सो यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये क्या रहने वाली है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये भी हमारा एक शेप डिफरेंस होता है ओनली, बेसिकली जो अंदर का है या बाहर की जो बॉडी है इसकी, वो सेम है। हम HDPE DCP ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी जो बॉडी होती है ये HDPE प्लास्टिक बॉडी का यूज है। ठीक है। ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ शेप का डिफरेंस आता है, अंदर से दोनों सेम ही है सर। मेटेरियल सब कुछ रहेगा, बस सिर्फ डिफरेंस है तो वो शेप का डिफरेंस है, और साइज का भी आई थिंक डिफरेंस दिखाया था आपने कि वो छोटी बड़ी। तो जी, आपने बताया कि कार के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो कार के लिए हमने छोटी बनाया है बॉल सर, 400 ग्राम की है, हाफ केजी की आती है। गाड़ियों के अंदर बोनट में, इंजन में कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो घरों में आप LPG सिलेंडर यूज कर रहे हैं वहाँ पे इसको लगा उसके पास रख, मतलब कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्कल होता है बेसिकली, उसके अंदर आप इसको डाल के रख सकते हैं। ठीक है। जो फैक्ट्री वगैरह में बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे रहते हैं उसके अंदर भी आप इसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा लगा मैम। एक जैसे कि फ्रेंचाइजी लेना हो, 3 लाख का प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है। सो अगर किसी को फ्रेंचाइजी ना लेके डायरेक्ट आपके पास B2B करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आप डायरेक्ट भी करवा देंगे डीलरशिप या विदाउट एनी एग्रीमेंट, वो नॉर्मल मार्केट में फ्री होकर काम कर सकते हैं। B2B के लिए एक होलसेलर को कितने अमाउंट का या कितने पीस लेने पड़ेंगे ऐसा कुछ है? उसके लिए कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो 2-3 लाख का सामान उठाए, वो 50,000 से भी स्टार्टिंग कर सकता है, 50,000 का मटेरियल लेके और वो आगे काम शुरू कर सकते हैं। हम सपोर्ट के लिए उनको ट्रेनिंग भी देंगे, और इसके अलावा एक ऑथराइजेशन लेटर भी प्रोवाइड करवाएंगे। ओके। ठीक है। जिससे कि वो जाके किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इजिली अप्रोच कर सकता है। ठीक है। सो मैम, पीछे देख पा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर लो इन्वेस्टमेंट सप्लायर 3 times रिटर्न,
एंड एक्सपोर्ट नो फ्रेंचाइजीज फीस, सो ये तीनों को एक बार एक्सप्लेन कीजिए मैम। हम मैन्युफैक्चरर हैं, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है, वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट और इंडिया में बनाने वाली अपनी पहली कंपनी है जो कि 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ओके, थ्री टाइम रिटर्न कैसे मिलेगा सप्लायर को? ये है कि जैसे इस प्रोडक्ट की MRP रेट है 3199 की, ठीक है यही प्रोडक्ट हम अपने डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर का रेट है 480 प्लस GST, 480 प्लस GST और जो डीलर्स हैं होलसेलर्स हैं उनके लिए 550 प्लस GST, 550 प्लस GST रहेगा और MRP काफी अच्छा खासा है। 3200 है, तो आप इसको अप टू MRP मार्केट में कितने में भी सेल करें वो आपके ऊपर है, 100% जो प्रॉफिट है वो आपका है, कंपनी कोई रॉयल्टी नहीं लेती आपके सेल। ठीक है, तो कुछ और रह गया हो तो मैम बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने प्रोडक्ट आपका, इसके अलावा कुछ? अभी काफी अच्छा डिमांड है क्योंकि एज अ न्यू और काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, अभी आपको पता है मैनुअल स्टेट में कितनी प्रॉब्लम आती है, ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, फिर काफी हैवी वेट होते हैं, कोई छोटा बच्चा हो, कोई लेडीज हो या कोई बुजुर्ग हो इजिली इसको ऑपरेट नहीं कर पाते, राइट, हैवी भी हो जाता है, काफी हैवी हो जाता है देखा जाए तो, कोई मतलब हेल्दी पर्सन लाइट वेट है, इसको छोटा बच्चा उठा के भी आग में फेंक देगा तो भी काम करेगा, तो भी काम कर जाएगा, इसको आप थ्रो भी कर सकते हैं नॉर्मली इसलिए आग में, तो भी अपने तरह ही काम करेगा, बहुत इजी है, लाइट वेट है, इफेक्टिव है, न्यू इनोवेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, आप इजिली इसको अभी मार्केट में भी इसकी काफी अच्छी डिमांड चल रही है। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, आप जहाँ भी चाहे इसको काफी अच्छे मार्जिन के साथ निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस देख लीजिए, थ्री टाइम्स रिटर्न आपको मिलने वाला है B2B अगर करते हैं तो, बाकी काफी नया कॉन्सेप्ट है, एक बार फ्रेंचाइजी के लिए कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए या फिर B2B के लिए अगर आप होलसेल में करना चाहते हैं तो होलसेल में भी कर सकते हैं। सो गाइस आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया गया है उस पर इनसे एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए।